मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो जंगल में भाग रही होती है। वो काफी इंजर्ड थी, उसे देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि वो किसी से बचकर भाग रही है। वो किसी तरह बड़ी मुश्किल से रोहतक पहुंच जाती है और एक कार को रोककर उससे मदद मांगती है, और तभी वो नींद से जाग जाती है। इस लड़की का नाम मरी होता है, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड एलेक्स के साथ उसके पेरेंट्स के घर पर जा रही थी। मरी जो जंगल में हमें जख्मी दिखाई गई है वो रियल नहीं था, बल्कि वो इसका ड्रीम था, और वो अपने इस ख्वाब को अपनी बेस्ट फ्रेंड एलेक्स के साथ भी शेयर करती है। वो कहती है कि वो ख्वाब में किसी से बचकर भाग रही थी। एलेक्स जो कि अपनी फैमिली से काफी दूर रहती है और हर वीकेंड पर वो अपने पेरेंट्स से मिलने जाती है, और आज भी वीकेंड था और इसीलिए वो अपने पेरेंट्स से मिलने जा रही थी। फिर हम एलेक्स की सारी फैमिली को देखते हैं और वो भी एलेक्स से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थे, और उनके घर के पास एक अजीब किस्म का ट्रक भी खड़ा हुआ था जिसमें एक आदमी बैठा था जो किसी लड़की के कटे हुए सर को वहीं फेंक कर चला जाता है। रात काफी हो चुकी थी लेकिन मरी और एलेक्स अभी तक घर नहीं पहुंची थी। टाइम बचाने के लिए वो शॉर्टकट ले लेती है जो मेन रोड से एक कच्ची रोड की तरफ जा रहा था। उस रास्ते पर जाते ही एलेक्स को कौन फिल्म में कोई नजर आता है और वो गाड़ी रुकवा कर उसे देखने जाती है। उसके पीछे मरी भी उसे देखने जाती है लेकिन एलेक्स उसे नहीं मिलती। वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और फिर उसे कार स्टार्ट करने की आवाज आती है, और जब वो जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि एलेक्स ही होती है। वो मरी के साथ प्रैंक कर रही थी, और फाइनली वो दोनों एलेक्स के घर पहुंच जाती हैं। एलेक्स की फैमिली में उसके फादर, मदर, उसका छोटा भाई और उनका एक डॉग था। एलेक्स मरी को अपने घर का एक क्विक टूर करवाती है, और क्योंकि वो काफी थक चुकी थी और अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद वो अपने रूम में जाकर सो जाती है, जबकि मरी को नींद नहीं आ रही थी और वो स्मोकिंग करने घर से बाहर जाती है। इसके बाद वापस अपने रूम में आकर वो आराम से म्यूजिक सुन रही होती है, तभी उनकी डोरबेल बजती है। तब एलेक्स के फादर जाकर चेक करते हैं तो वहाँ पर एक स्ट्रेंज किलर होता है। वो एक रेजर सीधा एलेक्स के फादर के फेस पर जोर से मारता है, और ये सब कुछ मरी भी ऊपर से देख रही होती है। वो किलर उनके घर में घुस जाता है और सबसे पहले वो उनके डॉग को मारता है। फिर वो एलेक्स के फादर के सर को स्टेयर्स में फंसाता है और बड़ी बेरहमी से एक टेबल से उसका सर ही धड़ से अलग कर देता है, और उसकी बहुत बुरे तरीके से मौत हो जाती है। इन सब से एलेक्स की मदर उठ जाती है और वो अपने हस्बैंड को ढूंढने नीचे आती है, तो वहाँ पर उसे उसकी डेड बॉडी ही मिलती है, और डेड बॉडी के पास वो किलर भी खड़ा हुआ था, और जाहिर है अब उसका टारगेट वो ही थी और वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर एलेक्स की मदर काफी चीखती चिल्लाती है, और उसकी चीखों से मरी और भी बुरी तरह डर जाती है। लेकिन इस मौके पर वो पैनिक होने की बजाय समझदारी से काम लेती है। वो गेस्ट रूम को इस तरह से अरेंज करती है कि जिसे देखकर ऐसा लगे कि यहाँ पर कोई रहता ही नहीं, और किलर भी यही समझे कि इस फैमिली के अलावा वहाँ पर और कोई नहीं है। वो सब चीजों को अपनी अपनी जगह पर अरेंज करके बेड के नीचे जाकर छुप जाती है, और वहाँ पर किलर आता है, और वो रूम की सारी सेटिंग को देखकर यही समझता है कि वहाँ पर कोई नहीं रहता, और फिर वो वापस चला जाता है। उस रूम से बाहर आने के बाद अब वो सीधा जाता है एलेक्स के रूम में, जबकि दूसरी तरफ मरी एलेक्स के पेरेंट्स के रूम में जाकर मोबाइल फोन ढूंढती है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आ जाता है, और जल्दबाजी की वजह से उसे अलमारी में छुपना पड़ता है, और वो कोई और नहीं बल्कि एलेक्स की मदर थी जो अभी थोड़ी बहुत जिंदा थी, लेकिन उसके पीछे वो किलर भी होता है जो उसका गला काट कर उसे मार डालता है। ये सब कुछ मरी की आंखों के सामने हो रहा था, और ऐसा होता देखकर उसकी हालत भी काफी सेंसिटिव थी। उस किलर के जाने के बाद मरी वापस आती है और वो देखती है कि एलेक्स की मदर अभी भी जिंदा है, और वो कुछ कहना चाह रही है, और वो कुछ और नहीं कह पाती, सिर्फ वाय कहती है। और फिर मरी एलेक्स के रूम में जाती है और वो देखती है कि किलर ने एलेक्स को बांध रखा है, और वो उसे आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उन्हें एलेक्स के छोटे भाई टॉम की आवाज आती है जो घर से निकलकर कॉर्नफील्ड की तरफ भाग गया था। लेकिन किलर भी शॉटगन लेकर उसका पीछा कर रहा था, और आखिर में टॉम भी उस किलर से नहीं बच पाता और वो उसको भी मार डालता है। अब एलेक्स की सारी फैमिली मर चुकी थी और वो अकेली ही जिंदा थी, इससे साफ जाहिर था कि किलर उसे मारना नहीं चाहता। अपनी सारी फैमिली को मरता हुआ देखकर एलेक्स की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन मरी उसे हौसला देती है और मोबाइल फोन ढूंढने के लिए नीचे आती है। उसे फोन मिल तो जाता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि किलर सारी टेलीफोन लाइन्स काट चुका था, और वो किलर एलेक्स को ले जाकर ट्रक में डाल देता है। लेकिन एलेक्स जो कि मरी की बेस्ट फ्रेंड थी, और मरी उसे किसी भी सूरत में मरने देने वाली नहीं थी, वो किचन में जाकर एक बुचर नाइफ उठा लेती है। ये सब शोर वो किलर भी सुन लेता है, और एक बार फिर वो घर को चेक करने जाता है, और इतनी ही देर में मौके का फायदा उठाकर मरी एलेक्स के पास पहुंच जाती है, लेकिन वो उसे आजाद नहीं कर पाती और किलर वापस आ जाता है। मरी उस किलर पर अटैक करने के लिए बस तैयार ही होती है, लेकिन वो उसके सामने नहीं आता और वो बैक डोर बंद करके उसे लॉक कर देता है। किलर को नहीं पता था कि मरी भी अंदर है, और वो समझ रहा था कि सिर्फ एलेक्स ही है, और वो तीन लोगों को ब्रूटली तरीके से मारकर बड़े आराम से वहां से जा रहा था। अपनी फैमिली को लेकर एलेक्स काफी सैड थी और वो मुसलसल रो रही थी। अब जाहिर है एलेक्स के रोने की वजह से मरी भी पकड़ी जा सकती थी, और वो उसे तसल्ली देती है और कहती है कि वो बिल्कुल सही सलामत वहाँ से बच निकलेंगे। मरी उस ट्रक का लॉक तोड़ने की कोशिश करती है और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है, और अब बस वो किसी मौके की तलाश में थी ताकि वहाँ से बच निकले। वो किलर एक गैस स्टेशन पर रुकता है, और इससे ज्यादा गोल्डन चांस उन्हें नहीं मिल सकता था, और वो इसको गवाना नहीं चाहती थी। मरी एलेक्स को वो बुचर नाइफ देकर खुद आराम से स्टोर की तरफ बढ़ती है। मरी किलर से बचकर स्टोर तक पहुंच जाती है और वहां के वर्कर को पुलिस को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले कि वो वर्कर कुछ समझ पाता किलर भी वहां पर आ
आ जाता है और जल्दी से मरी छुप जाती है। और जब किलर काउंटर पर आता है तो वो वर्कर उसके हाथ पर लगा हुआ खून देख लेता है और ये देखने के बाद वो पूरी बात समझ जाता है। वो वर्कर चुपचाप अपनी गन उठाने ही वाला था कि वो किलर उसे ड्रिंक मांग लेता है और वो वर्कर अपने बिहेवियर से बिल्कुल ऐसे ही शो करवाता है कि जैसे वो कुछ नहीं जानता, बिल्कुल अनजान। और वो उसके लिए ड्रिंक की एक बॉटल लेने जाता है, लेकिन किलर बहुत चालाक था, वो उसके एक्सप्रेशन को समझ चुका था और वो उसे भी मार डालता है। और यही नहीं, वो किलर ये भी समझ चुका था कि वो वर्कर किसी को छुपाने की कोशिश कर रहा है और मरी उससे बचकर वॉशरूम में जाकर छुप जाती है। और वो मरी को नहीं ढूंढ पाता और टाइम वेस्ट ना करते हुए वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही मरी पुलिस को इन्फॉर्म करती है और उस वर्कर की कार को गन लेकर उनका पीछा करती है। कुछ दूरी पर जाते ही मरी को वो ट्रक नजर आ जाता है और वो चुपके से उसके पीछे लगा देती है। वो किलर मेन रोड से उतरकर एक छोटी रोड पर चल पड़ता है और मरी भी हेडलाइट्स ऑफ करके उसका पीछा करती रहती है, लेकिन वो ट्रक उसकी आंखों से गायब हो जाता है और वो समझ नहीं पाती कि वो ट्रक कहाँ गया है, किस डायरेक्शन में गया है। और तभी उसके पीछे हेडलाइट्स जलती है और वो कोई और नहीं होता बल्कि वो किलर होता है जो उसको नोटिस कर चुका था। मरी जल्दी से गन उठाती है, लेकिन बदकिस्मती से उसमें गोलियां ही नहीं थी और वो गोलियां किलर के हाथ में थी, यानी ये सब उसका ही प्लान था। उसने मरी को वॉशरूम में देख लिया था और क्योंकि एलेक्स के घर में उसने मरी की भी फोटोज देखी थी तो वो उसको पहचान जाता है। और मरी को जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वो फुल स्पीड पर गाड़ी चला देती है और इसी वजह से उसकी कार क्रैश हो जाती है। और वो ये जानती थी कि किलर जरूर उसके पीछे आएगा और वो जल्दी से कार से उतरकर कुछ दूरी पर एक ग्रीन हाउस में जाकर छुप जाती है। और अब काफी टाइम गुजर चुका था, उसे अपनी और अपनी बेस्ट फ्रेंड की प्रोटेक्शन करनी थी, इसलिए वो खुद ही हथियार बनाती है और उस किलर को ढूंढती है। लेकिन किलर जो कि वाकई बहुत चालाक था, वो पीछे से उसे दबोच कर उसे नीचे गिरा देता है और अब फाइनली वो उसे मारने वाला था। और तभी वो एक पत्थर से उसका सर फोड़ देती है और फिर वो अपने हथियार से उस पर अटैक करती है और उसे तब तक मारती रहती है जब तक कि उसे यकीन ना आ जाए कि वो मर चुका है। उसे मारने के बाद ही वो सुकून का सांस लेती है और थोड़ी ही देर बाद पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। पुलिस वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और उन्हें फाइनली किलर का पता चल जाता है। और यहाँ हैरान कर देने वाली बात ये है कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि खुद मरी ही थी। असल में कोई किलर था ही नहीं, एलेक्स की पूरी फैमिली को मरी ने ही मारा था। और तभी मरते हुए एलेक्स की मदर ने वाई कहा था और अब एलेक्स जो इतना रो रही थी वो भी सिर्फ मरी की वजह से ही। मरी खुश होते हुए एलेक्स के पास आती है क्योंकि उसने किलर को मार दिया था और ऐसा वो खुद समझती थी। असल में अपनी दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में मरी को खुद भी नहीं पता था और इस पर्सनैलिटी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। वो एलेक्स को खोल देती है और समझती है कि एलेक्स खुश होगी, लेकिन उसने एलेक्स के सामने ही उसकी पूरी फैमिली को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। और एलेक्स खुद भी नहीं जानती थी कि मरी कब अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में आ जाए और वो मरी को स्टैब करके वहाँ से भाग जाती है। और फाइनली वो उसकी दूसरी पर्सनैलिटी को ट्रिगर कर देती है और मरी की दूसरी पर्सनैलिटी एक सॉ लेकर उसके पीछे भागती है। एलेक्स मेन रोड पर पहुँचती है और एक कार को रोककर उसे हेल्प मांगती है और यहाँ पर मरी अपनी सॉ से उस ड्राइवर को भी मार डालती है और अब सिर्फ बची थी एलेक्स। मरी सॉ को बिल्कुल एलेक्स के फेस के पास लाकर उसे पूछती है कि वो कहे कि वो उससे प्यार करती है। और यहाँ पर हमें मरी का मोटिव भी पता चल जाता है कि वो एलेक्स से प्यार करती है और उसका ये प्यार अब जुनून में बदल चुका था जिसने उसके ऊपर बहुत बैड इम्पैक्ट डाला और नहीं चाहती थी कि इस दुनिया में एलेक्स का उसके अलावा कोई और हो। और यही सोचते हुए उसने ये सब किया, उससे उसकी सारी फैमिली छीन ली। मरी कहती है कि वो उन दोनों के बीच किसी को नहीं आने देगी। तभी एलेक्स एक रोबोट उसके आर पार कर देती है और फिर हमें कुछ अरसा बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर मरी एक मेंटल हॉस्पिटल में थी जहाँ वो कॉन्टिन्यूसली यही कह रही थी कि वो उन दोनों के बीच में किसी को नहीं आने देगी। एलेक्स एक वन वे मिरर से उसे देख रही थी और मरी के पास कोई चांस नहीं था कि वो एलेक्स को देख पाती। लेकिन हम यहाँ एक अजीब चीज देखते हैं कि वो जानती थी कि एलेक्स वहाँ पर मौजूद है। मरी स्टार्टिंग से ही एलेक्स को लाइक करती थी, लेकिन एलेक्स इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। और जब हमें दिखाया गया कि मरी स्मोक करने बाहर गई और वापस आके वो म्यूजिक सुनने लगी, लेकिन असल में वो वापस नहीं आई थी। उसने आकर डोरबेल रिंग की, एलेक्स के फादर ने उसे ओपन किया और कुछ समझने से पहले ही उसने रेजर से मार दिया और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।